हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग बहुलक चैप्टर का पार्ट टू देखेंगे। पार्ट वन हम लोगों ने देखा था, उसमें हम लोगों ने किया 30 सवाल। ये पार्ट टू है, इसमें करेंगे हम लोग 40 सवाल, यानी आज क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे, जाएंगे 70 तक। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां मिलेगा केमिस्ट्री वीडियोज नाम से एक प्लेलिस्ट, वहीं पर आपको इसका पार्ट वन मिलेगा। ठीक है, पार्ट थ्री भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा जब अपलोड किया जाएगा, तो इसमें पार्ट थ्री आने बाकी है। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कौन है इस सवाल का आंसर? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कीजिए, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 30 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है पार्ट वन में। टेफ्लोन का उपयोग किया जाता है, टेफ्लोन का रासायनिक नाम है पोली टेट्राफ्लोरोएथेन, तेल सीलों को बनाने में। सील का मतलब जानते ही हो, बट यहाँ तेल सील है, मतलब तेल लीकेज को रोकने के लिए जो सील बनाया जाता है वो। ठीक है, तो ये टेफ्लोन का बनता है, दूसरे पॉलीमर का भी बन सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ इसका मतलब ये हुआ कि टेफ्लोन का इस्तेमाल भी इसको बनाने में किया जाता है, गैस्केटों को बनाने में। तो गैस्केट भी सील होता है, जो गैस्केट है ये भी सील होता है, जो कि दो चीज़ों के बीच का जो खाली स्थान होता है उसको भरने का काम करता है। जैसे आपने प्रेशर कुकर में जो रबर देखा होगा जो कि ढक्कन में लगाया जाता है, वो भी क्या करता है, ढक्कन और जो मेन बॉडी होता है उसके बीच के खाली स्थान को भरता है। क्यों भरता है? ताकि स्टीम बाहर न जाए, ताकि स्टीम जो कुकर में बन रहा है वो बाहर न जाए। तो वो जो रबर होता है कुकर के ढक्कन में, वो भी गैस्केट ही होता है, उसको भी हम लोग गैस्केट ही बोलते हैं, बट वो रबर का बना होता है। और गैस्केट टेफ्लोन का भी बनता है, जैसे कि ये भी एक गैस्केट है। उसके बाद ये चीज़ एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, न चिपकने वाली सतह से लिपित बर्तनों में। ये देख रहे हो, ये इस पर होता है कोटिंग टेफ्लोन का, जिसके कारण इस पर तेल डालो, मसाले डालो, बर्तन के साथ चिपकते नहीं हैं। टेफ्लोन की कोटिंग की जाती है जिसके कारण चीज़ें इससे चिपकती नहीं है। तो उपर्युक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। पोली एक्राइलो नाइट्राइल का एकलक इकाई है, यानी कि मोनोमर यूनिट है। पोली एक्राइलो नाइट्राइल, इसी को हम लिखते हैं शॉर्ट में PAN, तो पोली हटा दो तो बचेगा एक्राइलो नाइट्राइल, तो बी हमारा आंसर। ग्लिप्टल बहुलक इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल बोले तो CH2OH, या ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या होता है, CH2OH, CHOH और CH2OH, ये ग्लिसरॉल है और यह इथाइलिन ग्लाइकोल, और डैश के अभिक्रिया से बनता है। मतलब ग्लिप्टल जो है ये है आपका कोपोलीमर, सहबहुलक, इसमें मोनोमर दो होंगे, एक इथाइलिन ग्लाइकोल हो सकता है या फिर ग्लिसरॉल हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक। इसमें चाहिए होता है दो OH, तो यहाँ से भी मिल जाएगा और यहाँ से भी मिल जाएगा, और डैश के अभिक्रिया से बनता है। और क्या होता है एक मोनोमर, एक तो हो गया कि इन दोनों में से कोई एक होगा, और एक और क्या होगा, एक और होता है थैलिक अम्ल, बी हमारा आंसर। थैलिक अम्ल याद रखना, थैलिक अम्ल टेरप थैलिक नहीं होगा, थैलिक अम्ल देखो ये होता है, ये हमारा बेंजीन रिंग है। ठीक है, इस पर हम लगाएंगे COH। अब देखो ये होता है ऑर्थो पोजिशन, ये होता है मेटा और ये होता है पैरा, तो अगर ऑर्थो पर हमने एक और COH लगा दिया तो हो जाएगा थैलिक एसिड, और अगर हमने यहाँ पे लगा दिया ऐसे पैरा पोजिशन पे, तो ये हो जाएगा टेरप थैलिक एसिड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, थैलिक एसिड और ये है टेरप थैलिक एसिड। अगर आपको याद होगा पॉलिस्टर में मैंने आपसे कहा था कि दो एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो है आपका टेरेलिन, टेरेलिन इसी को डैक्रोन कहा जाता है, तो टेरेलिन या फिर डैक्रोन, इसका भी मोनोमर क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। टेरेलिन के लिए आप केवल ध्यान रखेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, और होता है टेरेप्थैलिक अम्ल, यानी कि उसमें ये होता है टेरेलिन या फिर डैक्रोन में मोनोमर्स जो दो होते हैं वो है इथाइलिन ग्लाइकोल और ये है टेरेप्थैलिक एसिड, लेकिन ग्लिप्टल में मोनोमर होता है थैलिक एसिड, और इथाइलिन ग्लाइकोल भी हो सकता है और ग्लिसरॉल भी हो सकता है, ये अंतर ध्यान में रखिएगा। यहाँ आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक्राइलो नाइट्राइल का बहुलक है, क्या हो जाएगा, पोली एक्राइलो नाइट्राइल, पोली एक्राइलो नाइट्राइल, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्लन और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्रीलन, हमारा आंसर यहाँ बी हो जाएगा। संघनन बहुलक के संदर्भ में, ये कर दो, गलत कथन चुने,
संघनन बहुलक के बारे में हम लोगों ने पार्ट वन में क्या देखा, इसमें दो एकलक शामिल होते हैं और दोनों के पास दो दो फंक्शन ग्रुप्स होने चाहिए, ये सही है। इसमें सरल अणुओं का ह्रास होता है, तो ये भी सही है। इसमें किसी भी सरल अणु का ह्रास नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाइलोन 66, बेकेलाइट, टेरेलिन, ये सारे जो है संघनन बहुलक के उदाहरण है, तो ये भी सही है, आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन पॉलीएमाइड बहुलक है? पॉलीएमाइड बहुलक मतलब उसमें होगा एमाइड लिंकेज या फिर एमाइड बंद। तो यहां देख लो, ये सारे बहुलक हैं जिनमें एमाइड लिंकेज प्रेजेंट है। नाइलोन 6, नाइलोन 66, केवलर, नोमैक्स, सिल्क, वुल, लेदर, ये सारे। कपास नहीं होगा, ठीक है, कपास नहीं होगा। कपास जो है ये सेलुलोज से बनता है और सेलुलोज ये ग्लूकोज का बहुलक होता है, और जो पॉलीएमाइड होता है ना उसमें तो नाइट्रोजन होता है, पॉलीएमाइड में नाइट्रोजन होता है, सेलुलोज में तो नाइट्रोजन मिलेगा ही नहीं आपको, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही मिलेंगे सिर्फ आपको। नाइलोन 66 और नाइलोन 6 का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ देख सकते हो रस्सी के निर्माण में, ये है शूक, ये है शूक, इसके निर्माण में, टायर की डोरी के निर्माण में यहाँ आपको दिख रहा होगा, और कपड़ों के निर्माण में, वस्त्रों के निर्माण में, तो इनमें से सभी में, टायर की डोरियों के निर्माण में, रस्सियों के निर्माण में और ब्रशों के शूकों के निर्माण में भी हमारा आंसर। डैश कैप्रोलैक्टम को जल के साथ उच्च ताप पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। ये देखो, ये है कैप्रोलैक्टम, जल के साथ गर्म किया जा रहा है उच्च ताप पर, क्या बना? नाइलोन 6, तो कैप्रोलैक्टम नाइलोन 6 का मोनोमर है, भी हमारा आंसर। निम्न में कौन दीव कार्बोक्सिलिक अम्लों और डाईऑल के बहुसंघनन उत्पाद है, यानी कि संघनन पॉलीमर है? तो अभी हम लोगों ने देखा टेरेलिन, डैक्रोन और ये है ग्लिप्टल। तो टेरेलिन में हम लोगों ने क्या देखा कि मोनोमर यूनिट्स है इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसमें कि दो OH है, यहाँ लिखा है ना डाईऑल, डाईऑल का मतलब दो OH होने चाहिए, और द्वि कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि दो COH होने चाहिए। तो इन दोनों में ही देखो आप, इथाइलिन ग्लाइकोल है तो दोनों के पास दो OH, और यहाँ है टेरेपथैलिक एसिड तो यहाँ एक COH और यहाँ COH, ये है थैलिक एसिड तो बस पोजीशन का फर्क होता है, बाकी दोनों में तो COH COH होते ही हैं। तो जो टेरेलिन है और जो ग्लिप्टल है, ये दोनों किसके एग्जांपल्स हैं? पॉलीएस्टर के, सी हमारा आंसर, ग्लिप्टल और टेरेलिन पॉलीएस्टर के एग्जांपल्स हैं। निम्न में कौन पॉलीएस्टर का सर्वज्ञात उदाहरण है? सबसे फेमस एग्जाम्पल है पॉलीएस्टर का डेक्रोन, हम लोग बोलते हैं ना पॉलीएस्टर का कपड़ा, तो वो डेक्रोन ही होता है, डेक्रोन का कपड़ा होता है। डेक्रोन या टेरेलिन का उपयोग किया जाता है सूती और ऊनी रेशे के साथ मिला करके, सूती कपड़ा और ऊनी कपड़ा जो बनता है उसमें थोड़ा बहुत डेक्रोन को भी मिलाया जाता है। हेलमेट के निर्माण में, क्रीज रोधी के रूप में, जैसे एक कपड़ा है कॉटन का और एक जिसे आप बोलते हो कि पॉलिएस्टर का, ये बोलते हैं ना कि पॉलिएस्टर का कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, अगर आप दोनों को मोड़ो तो क्रीज किस में ज़्यादा आएगा, मतलब मुड़ा हुआ आपको ज़्यादा किस में दिखेगा कि कपड़ा बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है, कॉटन के कपड़ा में, पॉलिएस्टर में कम मिलेगा आपको। तो क्रीज रोधी के लिए, जैसे यहाँ लिखा है ना कि सूती और ऊनी रेशों के साथ मिक्स कर दिया जाता है, तो इसीलिए किया जाता है ताकि क्रीज ना पड़े जल्दी, जैसे यहाँ मोड़ रहा है ना तो क्रीज नहीं पड़ेंगे इसमें जल्दी, क्योंकि ये क्रीज रोधी होते हैं, ठीक है। तो क्रीज रोधी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है अन्य रेशों के साथ मिक्स करके, इनमें से सभी। डैश सर्वाधिक पुराने संश्लिष्ट बहुलक है, इनमें से कौन है जो सबसे पुराने सिंथेटिक बहुलक है? फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड बहुलक, तो बी हमारा आंसर, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड बहुलक को सबसे पुराना सिंथेटिक बहुलक कहा जाता है। निम्न में कौन एक फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड बहुलक है जिसका उपयोग पेंट में किया जाता है? फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड बहुलक है जिसका इस्तेमाल पेंट में किया जाता है। दो एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं पेंट में जिसका किया जाता है, एक तो नोवोलैक हो गया और दूसरा ग्लिप्टल हो गया। तो ग्लिप्टल में तो हम लोगों ने अभी देखा कि भाई इथाइलिन ग्लाइकोल या फिर ग्लिसरॉल और साथ में थैलिक एसिड, यहाँ फिनॉल है और फॉर्मल्डिहाइड है, ये होता है नोवोलैक, ठीक है, ये फिनॉल है और ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये बनता है नोवोलैक, इसका इस्तेमाल पेंट में होता है, ग्लिप्टल का इस्तेमाल भी पेंट में होता है। फॉर्मल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर नोवोलैक तिर्यक बंध निर्मित करके दुर्गलनीय ठोस बनाता है जिसे डैश कहता है, डैश कहते हैं, मतलब जो नोवोलैक बना उसको गर्म किया गया फॉर्मल्डिहाइड के साथ, इससे क्या हुआ क्रॉस लिंकेज बना और एक दुर्गलनीय ठोस बना, ये ठोस क्या है, ये है बेकेलाइट, ठीक है, ये फिनॉल था, फॉर्मल्डिहाइड था, नोवोलैक बना, ठीक है, नोवोलैक बना, इसी नोवोलैक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ गर्म किया जाएगा तो बनेगा क्रॉस लिंकेज, क्रॉस लिंकेज बनने के कारण क्या होता है एक ठोस बनता है और उसे बोलते हैं बेकेलाइट, और ये गलेगा नहीं,
क्योंकि ये है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ताप दृढ़ यानी कि थर्मोसेटिंग बहुलक के बारे में सत्य नहीं है। थर्मोसेटिंग में क्या होता है, क्रॉस लिंकेज होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ये अत्यधिक शाखित और तिर्यक बंद बहुलक है, तिर्यक बंद यानी कि क्रॉस लिंक्ड। इसे गलाकर दोबारा ढाला और उपयोग में नहीं लाया जा सकता। पार्ट वन में मैंने आपसे कहा था थर्मोप्लास्टिक को आप दोबारा गला सकते हो, गर्म करके सॉफ्ट कर सकते हो, ठंडा करके हार्ड कर सकते हो, ये चीज़ आप थर्मोसेटिंग के साथ नहीं कर पाओगे। बेकेलाइट इसका प्रमुख उदाहरण है, तो ये भी सही है। यह गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है और दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। यह थर्मोप्लास्टिक के लिए सही है, थर्मोसेटिंग के लिए सही नहीं है। डी हमारा आंसर। बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है, बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है कंघियों के निर्माण में, वैद्युत स्विचों के निर्माण में, विभिन्न बर्तनों के हत्थे बनाने में। बेकेलाइट के बारे में आपने क्या देखा, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर गर्म होकर के मुलायम नहीं होता है, यह गलता नहीं है इतनी आसानी से। बहुत ही हाई टेम्परेचर पर वो मे बी गलने की कोशिश करे, वो भी गलता नहीं है, खराब हो जाता है वो। तो यहाँ देखो, यहाँ जो लगाया जाता है ये बेकेलाइट होता है, क्योंकि आप जानते हो कुकर जब गर्म होगा तो ये पूरा गर्म हो जाएगा हैंडल, लेकिन ये गलता नहीं है क्योंकि ये बेकेलाइट का होता है। फिर ये इलेक्ट्रिक स्विचेज के निर्माण में बेकेलाइट का इस्तेमाल होता है, इनमें से सभी। मेलामाइन बहुलक का उपयोग किया जाता है, मेलामाइन बहुलक जो है ये बनता है मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड से। मेलामाइन पॉलीमर का मोनोमर यूनिट्स कौन कौन से हैं, मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका उपयोग किया जाता है अनब्रेकेबल क्रॉकरी में, यानी ये सारे जो बर्तन हैं जो टूटते नहीं हैं, इनके निर्माण में, अभंजनीय बर्तनों के निर्माण में। प्रत्यास्थ बहुलक के संदर्भ में गलत कथन चुने, प्रत्यास्थ बहुलक के संदर्भ में गलत कथन चुने, यानी कि जो इलास्टोमर पॉलीमर होता है उसके बारे में गलत चुनना है। इनमें प्रत्यास्थ गुण पाए जाते हैं, यानी कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, मतलब उसको आप खींच करके ये खींच सकते हो, उसको स्ट्रेच कर सकते हो। श्रृंखलाएं आपस में मजबूत अंतरणविक बल द्वारा जुड़ी रहती हैं, ये गलत हो जाएगा। देखो इनमें प्रत्यास्थ गुण इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो कमजोर होता है, तो ये सही है, ये गलत है, तो ये हमारा आंसर। प्राकृतिक रबर इसका उदाहरण है, प्राकृतिक रबर चाहे संश्लेषित रबर प्रत्यास्थ बहुलक के उदाहरण है, तो ये भी सही है। ये क्या है, देखो पेड़ों से प्राप्त हो रहा है, ये पेड़ों से प्राप्त हो रहा है, ये वाइट वाइट, ये क्या है, लेटेक्स। तो जो हमारा नेचुरल रबर होता है ना वो लेटेक्स से ही बनता है। निम्न में से किसे सिस पोली आइसोप्रीन कहा जाता है, हो सकता है आपके एग्जाम में केवल पोली आइसोप्रीन लिख कर गया है, बट आप ये पूरा ध्यान में रखो, सिस पोली आइसोप्रीन ये बहुलक है, ये बहुलक है और ये रासायनिक नाम है प्राकृतिक रबर का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन। बाकी ये तीनों जो है ये है सिंथेटिक रबर, संश्लेषित रबर। निम्न में कौन एक संश्लिष्ट रबर है या फिर संश्लेषित रबर है, सिंथेटिक रबर है, तो नियोप्रीन है, रासायनिक नाम पॉलीक्लोरोप्रीन होता है, ब्यूना एंड ब्यूना एस, ये सारे ही संश्लेषित रबर है। निम्न में कौन एक प्रत्यास्थ बहुलक नहीं है, प्रत्यास्थ बहुलक नहीं है, तो प्राकृतिक रबर है, नियोप्रीन है, ब्यूना एस है, डी नहीं होगा, पॉलिस्टर नहीं होगा, ये दोनों ही सिंथेटिक रबर है। निम्न में कौन सा एक प्राकृतिक रबर है, नियोप्रीन सिंथेटिक है, ये नहीं होगा, ब्यूना एन ब्यूना एस ये दोनों सिंथेटिक है, नहीं होगा, सिस पोली आइसोप्रीन, इसी को हम लोग प्राकृतिक रबर बोलते हैं। निम्न में से गलत कथन चुने, प्राकृतिक रबर उच्च तापमान पर नरम और निम्न तापमान पर भंगुर हो जाता है, यानी कि ब्रिटल हो जाता है, सही है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए रबर का वल्कनीकरण किया जाता है, देखो वल्कनीकरण यानी कि वल्केनाइजेशन, इसमें ना जिस रबर को कठोर बनाना होता है उसको गर्म किया जाता है सल्फर के साथ, सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो रबर होता है वो होता है लीनियर, जो रबर होता है वो होता है लीनियर, लीनियर पॉलीमर। सल्फर के साथ गर्म करने पर क्रॉस लिंकेज बन जाता है, क्रॉस लिंकेज बन जाता है, यानी कि तिर्यक बंध बन जाता है, जिसके कारण कठोर हो जाता है। टायर बनाने के लिए जिस रबर का वल्कनीकरण करवाया जाता है, टायर बनाने के लिए जिस रबर को वल्कनाइज किया जाता है उसमें सल्फर का इस्तेमाल होता है 5%, ये ध्यान में रखिएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ 15% लिखा हुआ है। निम्न में कौन श्रृंखला वृद्धि बहुलक है, यानी कि चैन ग्रोथ पॉलीमर है, चैन ग्रोथ पॉलीमर हम लोग बोलते हैं योगात्मक बहुलक को, एडिशन पॉलीमर को। तो ब्यूना एंड ब्यूना एस अगर आपको याद होगा तो योगात्मक बहुलक के अंदर ये क्या था, सह बहुलक। बाकी बेकेलाइट, ग्लिप्टल, पोली कैप्रोलेक्टम, ये क्या होता है, पोली कैप्रोलेक्टम, ये नाइलोन 6 का ही बोल सकते हो कि ये रासायनिक नाम है। कैप्रोलेक्टम आपने देखा नाइलोन 6 का क्या था, मोनोमर था, तो पोली लग चुका है यहाँ पर, तो पोली कैप्रोलेक्टम ये नाइलोन 6 हो गया, तो ये भी हमारा संघनन पॉलीमर है। अब पूछा है
पदश्रव वृद्धि बहुलक, इसी को बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर हम बोलते हैं संघनन पॉलीमर को। तो ब्यूना एन, ब्यूना एस, नियोप्रिन, ये सारे हैं योगात्मक बहुलक। परलोन क्या होता है? अभी आपने देखा पोली क्या, प्रोलेक्टम। नाइलोन सिक्स को बोलते हैं, नाइलोन सिक्स को ही परलोन भी बोलते हैं। तो डी हमारा आंसर, नाइलोन सिक्स क्या है, संघनन पॉलीमर है। नाइलोन सिक्स सिक्स डैश के प्रयोग से बनाया जाता है। अब देखो नाइलोन सिक्स सिक्स, नाइलोन सिक्स तो आपने देखा कि क्या प्रोलेक्टम से बनता है। नाइलोन सिक्स सिक्स देखो यहाँ पर एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड, ध्यान में रखना एडिपिक एसिड। नाइलोन सिक्स सिक्स के निर्माण में ये क्या है, मोनोमर है, तो एडिपिक अम्ल, सी हमारा आंसर। बुलेट प्रूफ कांच किस बहुलक का बना होता है? जो बुलेट प्रूफ कांच होता है वो बना होता है लैक्सन का। लैक्सन भी एक पॉलीमर है, कौन सा पॉलीमर है, तो ये पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर है। पॉलीकार्बोनेट बोले तो इसमें कार्बोनेट ग्रुप होता है। ये है संघनन बहुलक, संघनन भी कौन सा, सहबहुलक। अगर सहबहुलक है तो दो एकलक होंगे इनमें, दो एकलक कौन से हैं, एक है बिस्फेनॉल ए, दूसरा कार्बोनिक एसिड भी हो सकता है और फॉस्जिन भी हो सकता है, और ये थर्मोप्लास्टिक होता है। ठीक है, जो भी बातें यहाँ लिखी हुई है ये पॉलीकार्बोनेट के लिए है और उसी का एग्जाम्पल ये लैक्सन है। अब है बुलेट प्रूफ जैकेट किस बहुलक का बना होता है? ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है ये किससे बना होता है? ये बना होता है केवलर से। निम्न में कौन ताप और विकिरण प्रतिरोधी बहुलक है, यानी कि ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर देता है और रेडिएशन से भी बचाता है? ये है नोमैक्स। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, ये पॉलीएमाइड पॉलीमर है जिसमें कि एमाइड लिंकेज होता है। निम्न में से किस बहुलक का उपयोग पेंट में किया जाता है? तो ग्लिप्टल और नोवेलैक। निम्न में कौन ग्लूकोज का बहुलक है जो जानवरों में संचित किया जाता है? सेलुलोज, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, ये सारे जो है बहुलक है और इसका मोनोमर यूनिट ग्लूकोज होता है, यानी ये सारे ग्लूकोज के ही बहुलक है। लेकिन जानवरों में स्टोर होता है, जानवरों में फूड जो है किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो होता है ग्लाइकोजन। तो एनिमल स्टार्च कहा जाता है ग्लाइकोजन को, ये जानवरों में स्टोर होता है और ये ग्लूकोज का बहुलक है। निम्न में कौन एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है? तो सिस पॉली आइसोप्रीन, ये नेचुरल रबर है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक, ये हमारा आंसर, बाकी ये सारे सिंथेटिक पॉलीमर है। संपर्क लेंस या नेत्र लेंस में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है PMMA, पूरा नाम क्या होता है, पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट, पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट। मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगा, केवल ये मिथाइल मेथेक्राइलेट। तो ये योगात्मक बहुलक है, थर्मोप्लास्टिक है और मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगा, मिथाइल मेथेक्राइलेट। इसे एक्राइलिक ग्लास भी कहा जाता है, परस्पेक्स भी कहा जाता है और प्लेक्सी ग्लास भी कहा जाता है। ये सारे नाम भी आपको दिए जा सकते हैं, जैसे सवाल यही रहेगा लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा होगा, लिखा होगा प्लेक्सी ग्लास, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। प्लेक्सी ग्लास हम लोग पॉलीमिथाइल मेथेक्राइलेट को ही बोलते हैं। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का औद्योगिक नाम है पान, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इसी को हम लोग एक्रिलन बोलते हैं और लोन भी बोलते हैं, बी हमारा आंसर, ये औद्योगिक नाम है। पीवीसी का उपयोग किया जाता है, पीवीसी का उपयोग किया जाता है पानी का पाइप बनाने में, बरसाती यानी कि रेनकोट बनाने में, हैंडबैग बनाने में, इनमें से सभी में किया जाता है। तार को विद्युत रोधी बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? ये जो वायर इंसुलेशन है इसमें किस बहुलक का इस्तेमाल किया जाता है? तो पीवीसी का भी इस्तेमाल होता है। XLPE यानी कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथीन, क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन, जो पॉलीथीन होता है उसी में क्रॉस लिंकेज करवा दिया जाता है, और रबर, तो इन सब का इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुलक होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है, लेकिन आपके एग्जाम में ज़्यादा चांस है पीवीसी का, ठीक है, वहाँ आप पीवीसी को टिक मारना अगर दिखे तो। इनमें से सभी शैलक कीट द्वारा स्रावित किया जाता है, यह है शैलक क्या है जो कीट द्वारा स्रावित किया जाता है? तो शैलक जो है यह है रेजिन, प्राकृतिक रेजिन, नेचुरल रेजिन। ये कीट है लैक बग, ठीक है, फीमेल लैक बग, मादा लैक बग जो स्रावित करती है शैलक को, तो यह है रेजिन। निम्न में कौन एक बहुलक नहीं है? ऊन है, कॉटन है, चमड़ा है, लिपिड नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। बायो के अंदर भी मैंने आपसे बहुत बार इस पर जोर डाला था कि लिपिड पॉलीमर नहीं है।
निम्न में से किस बहुलक को कम से कम एक डाई इन एकलक आवश्यकता होती है? एक डाई इन का मतलब क्या हुआ? देखो, इन का मतलब हो गया सीसी डबल बाउंड, ठीक है, इन का मतलब सीसी डबल बाउंड, और क्योंकि यहाँ डाई लगा हुआ है मतलब दो सीसी डबल बाउंड्स होने चाहिए, ठीक है, जो मोनोमर होगा ना उसमें आपको दो ऐसे दिखने चाहिए सीसी डबल बाउंड। तो इनमें देखो, जो नियोप्रीन होता है जिसे हम लोग पॉलीक्लोरोप्रीन बोलते हैं, इसका मोनोमर यूनिट होता है क्लोरोप्रीन। ये देखो क्लोरोप्रीन, और यहाँ आपको दिखेगा एक डबल बाउंड और दूसरा यहाँ पर दिखेगा, तो यही सवाल में पूछा हुआ था। इसके बाद यहाँ पर आप ब्यूना एन भी ले सकते हो, ब्यूना एस भी ले सकते हो। यहाँ भी क्या होता है, यहाँ पर एक्राइलोनेट्राइल के साथ होता है ब्यूटा 1,3 डाई इन, ठीक है, ब्यूटा 1,3 डाई इन, तो वहाँ भी डाई इन होता है। ब्यूना एस में भी ब्यूटा 1,3 डाई इन प्लस स्टाइरिन होता है, तो क्लोरोप्रीन हो गया, ब्यूना एन, ब्यूना एस, ये सारे आंसर हो सकते हैं इस सवाल के लिए। यहाँ पर केवल नियोप्रीन है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। गलत सुमेलित चुने, संश्लिष्ट रबड़ यानी कि सिंथेटिक रबड़, नियोप्रीन, ब्यूना एन, ब्यूना एस, थायोकोल, थायोकोल को भी ध्यान में रखें। रस्सी और रेशे बनाने में नायलोन का इस्तेमाल होता है। पॉलिएस्टर फैब्रिक यानी जो पॉलिएस्टर कपड़ा होता है वो डेक्रोन का बना होता है। प्राकृतिक रबर पॉलीक्लोरोप्रीन, गलत हो जाएगा, पॉलीक्लोरोप्रीन तो नियोप्रीन हो गया, प्राकृतिक रबर होता है सिस पॉली आइसोप्रीन, यह गलत हो जाएगा, डी आंसर। तो ये हमारा पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।